दोस्तों आज बात करेंगे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी रिजल्ट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बीए, बीएससी, बीकॉम 5 सेमेस्टर का रिजल्ट अवेलेबल हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग, यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम 5 सेमेस्टर रिजल्ट अवेलेबल, मतलब यहाँ पे बोला गया है बीए का 5 सेमेस्टर का रिजल्ट दिया गया है, बीएससी का 5 सेमेस्टर रिजल्ट दिया गया है, बीकॉम का 5 सेमेस्टर रिजल्ट दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ओनली 5 सेमेस्टर का रिजल्ट दिया गया है, बीए, बीकॉम, बीएससी का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 2 आवर एगो, मतलब 2 घंटा हुआ है जो रिजल्ट है अपडेट किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो नीचे आ जाएंगे, आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, नीचे आने के बाद यहाँ पे बोला गया, थोड़ा शॉर्ट से वीडियो बनाएंगे आप लोगों को जानकारी जानकारी पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ओ हाउ टू चेक गुवाहाटी यूनिवर्सिटी रिजल्ट, तो कैसे चेक कर सकते हैं यहाँ पे बोला गया है दोस्तों। तो नीचे आ जाएंगे, आने के बाद हम आप लोगों का रोल नंबर, जो रोल कोड होता है, रोल कोड देना है और रोल नंबर से आप लोगों का जो रिजल्ट है निकाल सकते हैं और देख भी सकते हैं। आप लोग को पिन आउट भी करना चाहते हैं, तो दोस्तों नीचे आ जाएंगे, आने के बाद बोला गया है यहाँ पे जो आप लोगों का ऑनलाइन लिंक है, ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं अपना रिजल्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, वो बी ए जो 5 सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं, बीए का 5 सेमेस्टर का रिजल्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, क्लिक हेयर पे क्लिक करके ये आप लोग जा सकते हैं नया सा पेज पे और आप लोगों का जो रिजल्ट है देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा देखते देखिए दोस्तों, कोई भी एक ब्राउजर सिलेक्ट करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो क्रोम ब्राउजर सिलेक्ट कर लीजिए, करने के बाद आपके सामने नया सा पेज खुल के आ जाएगा और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। नीचे आ जाएंगे, आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बीकॉम का है, तो ठीक है दोस्तों। तो बीकॉम का है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीकॉम का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पहले आप लोगों को वीडियो बनाया है जो मेजर का 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट दिया गया है, तो यहाँ पे मेजर का जनरल का 3rd सेमेस्टर का भी यहाँ पे दिया गया है। तो अभी रिजल्ट आया है दोस्तों बीकॉम का 5 सेमेस्टर का, तो यहाँ पे जो क्लिक हेयर दिखाई दे रहा है, क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं बीकॉम का 5 सेमेस्टर का रिजल्ट, ठीक है दोस्तों। क्लिक यहाँ पे जो सामने क्लिक हेयर दिखाई दे रहा है, क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप लोग बीकॉम का जो 5 सेमेस्टर होता है, 5 सेमेस्टर का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नीचे जाएंगे, आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी, तो बीएससी का पहले भी आप लोग 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट दिया गया है, तो आप लोग भी देखना चाहते तो पीडीएफ फाइल में क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों। अब आज बात करेंगे ओनली 5 सेमेस्टर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे बीएससी 5 सेमेस्टर जो दिखा दे रहे, इसके सामने जो क्लिक हेयर दिखा दे रहे, क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, और बुरा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो क्लिक हेयर दिखा दे, क्लिक हेयर पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप बीएससी है तो यहाँ पे क्लिक करना है, और आप बीकॉम का है तो यहाँ पे क्लिक करना है, और आप बीए है तो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप बीए है लेकिन बीकॉम में आके क्लिक नहीं करना है, तो आप लोगों का रिजल्ट नहीं देख सकते आप, ठीक है दोस्तों। कोई भी ऐसा होता है दोस्त, फिर मुझे कमेंट करके बोलता है दोस्त आपका वेबसाइट ऐसा हो रहा है, आप काम नहीं कर रहे दोस्तों। पहले ध्यान से सुन लीजिए आप क्या बोला है, क्या हम आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और क्या आप समझने के लिए एक कोशिश करते हैं, तो यही सबसे बड़ा बात हो गया है। तो आप बीए का है तो बीए के जो बिली बीए का जो क्लिक हेयर दिखाई दे रहे, क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, और बीकॉम का है तो यहाँ पर क्लिक करना है। तो पहले यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सा ये बीए का है, क्या बीकॉम का है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा ध्यान से देखने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो इतना तक ही है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, और आप नया है मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।